बच्चों अपनी मैथ्स की बुक निकालें। कल हमने आपको पेज नंबर 29 ये ऐड आपको हमने कल करवा दिए थे, आप सभी ने अपनी बुक में कर लिए होंगे। आज हम आपको ये जो टेबल दे रखी है ये एक तरह से प्लेइंग मेथड है काउंट करने का। इसमें लिखा हो राइट द करेक्ट नंबर न्यूमरल्स इन द ब्लैंक्स। देखिए बच्चों, 5 tens + 4 ones, तो 5 tens आपको पता है 5 10 = 50 और 4 कितने हो गए 54। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 4 tens, यदि इस 4 को हम इधर ले जाएं तो 54 बनाने के लिए हमको कितनी संख्या की आवश्यकता होगी, तो ये आ जाएगा 14। तो 40 + 14 = 1, टोटल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 tens + 5 ones, तो 60 + 5 = 65 हो गए। अब इस वाले 5 को हम tens के स्थान पर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा 50। तो 5 tens = 50 तो आ गए आपके पास में, 66 चाहिए तो कितना बच रहा है 6 tens + 5, तो ये कितना हो गया आपका 65। तो 65 लाना है आपको, तो 5 को हम इस 5 को इधर ले जाएंगे तो 50 हो गया। 50 में 65 लाने हैं आपको, तो कितना बच रहा है बच्चों 15 बच रहा है, तो हम यहाँ पर आ गए 15 ones। इस प्रकार से आपको ये वाली टेबल पूरी करनी है। इसके बाद में पेज नंबर 31 पर आ जाएं आप। 31 पर ऐड दे रखे हैं सिंपल, आपको ऐड करने 2, 3 और 1। तो सबसे पहले 2 और 3 काउंट करो, तो कैसे करते हैं देखिए, उंगली रखिए अपनी इस तरह से, 2 के आगे 3 खाने गिने, तो 2 के बाद में 3, 4 और ये 5, ठीक है। 5 से आगे 1 हो गिनना, 5 के बाद में 1, 6 हो गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 6। फिर दोबारा आ जाएं 10th प्लेस नंबर पर, 3 में 4 ऐड करना है, तो 3 के बाद में 4 खाने, 1, 2, 3, 4, तो 3 से आगे गिनने 4 खाने, 4, 5, 6, 7। अब 7 से आगे 2 खाने और गिनना है, 7 के बाद में 8 और 9। उंगलियों पर प्रैक्टिस करें ऐड करने की, 3 और 4, 7 और 2, 9, आपने यहाँ पर 9 लिख दिया। इसी प्रकार 3, 3, 3, तो एक सी संख्याएं होती हैं बच्चों, तो हम टेबल के द्वारा भी इनको कर सकते हैं और ऐड के द्वारा भी कर सकते हैं। तो 1, 2, 3, 3, 3 = 9, 9 लिख सकते हैं, और इधर भी 3, 3 हैं, 3 बार हैं, 3, 3 = 9, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखिए 0 कोई संख्या नहीं है, और उसमें 2 में कितना जोड़ना है 7, या आप ऐसा करें बड़ी संख्या में आप छोटी संख्या जोड़ सकते हैं, 7 के बाद में 2 खाने, 8 और 9, ये आप लिख दें यहाँ पर। अब देखिए इसमें 7 में 1 जोड़ें, तो देखिए 7 के बाद में 1 गुनो 8 में फिर 1 जोड़ो 9, तो यहाँ क्या लिख दें बच्चों 9। आपको ये यहाँ तक जो सवाल दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आपको सॉल्व करना है यहाँ तक, ये आज आपका होमवर्क है। ओके बच्चों।